चढ़दी कला तुहाडी हमेशा ही होवे चढ़दी कला। सो दोस्तों एक बार फिर तुहाडा स्वागत है पीवीएस क्लासेस दे विच, जिथे मैं परमवीर सिंह पीवीएस लेके आया हाँ हाजिर हाँ तुहाडे लई सीसेट लैक्चर सीरीज का लैक्चर नंबर 10, जिहदे विच आपां अज गल करांगे, आपां अज प्रैक्टिस करांगे सीटिंग अरेंजमेंट्स दे क्वेश्चंस दी अलोंग विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जो एग्जाम्स दे विच पुराने क्वेश्चन आ चुके हैं ना, इस टाइप दे क्वेश्चंस सीटिंग अरेंजमेंट दे उते उहदे उते आपां अज करांगे क्वेश्चन एंड प्रैक्टिस। एंड जो ये क्लासेस ने पंजाब पीसीएस 2020 दे अलावा जो नायब तहसीलदार है, सब इंस्पेक्टर है, पटवारी या होर पंजाब गवर्नमेंट दी जॉब्स है, उन्हां सारयां दे लई है यूजफुल। सो यकीनी तुसी इहदे नाल जुड़े रहो, ओके, और लास्ट तक ये लैक्चर देखो, तुहानूं बहुत हैल्प होएगी, राइट। सो करदे हां स्टार्ट। पहला क्वेश्चन तुहाडी स्क्रीन दे उत्ते पहला क्वेश्चन जिहड़ा हैगा वा ये है बिल्कुल राइट। एंड ये जो क्वेश्चन है ये 2016 दे विच जो पटवारी दे पेपर होए सीगे, ठीक है। सो पंजाब गवर्नमेंट जॉब्स दे पटवारी दे एग्जाम होए सी, उहदे विचों ये क्वेश्चन जिहड़ा सीगा अपीयर होया सीगा। सो जस्ट इनू करो रीड, एक दो मिनट लो। ओके सो पहला बैल तुसी जदों रीड कीता सो तुहानूं लगदा है कि सीटिंग अरेंजमेंट दा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। सो जिद्दां दे हल्ले तक आपां क्वेश्चन कीते सी उस तरह दे नहीं है, बट अल्टीमेटली इह सेम टाइप दा ही इक क्वेश्चन है, ठीक है। सो की कह रहा है क्वेश्चन, देयर आर 6 फ्लैट्स ऑन अ फ्लोर इन 2 रोज फेसिंग नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। 2 रोज दे विच, ठीक है, ओके, 3 फ्लैट्स ने फ्लोर दे उत्ते, ठीक है, आमो सामने जेड़े फ्लैट्स ने है ना, ठीक है। 2 रोज फेसिंग नॉर्थ एंड साउथ, एक एक किधर नु फेस कर रही है, ए रो कर रही है साउथ वाल नु, ठीक है, और ए रो किधर नु फेस कर रही है नॉर्थ वाल नु, राइट। इथे 3 फ्लैट्स असी ड्रॉ कर लेने हैं, राइट। ए जो है साउथ फेसिंग फ्लैट्स ने और ए जो है वो नॉर्थ फेसिंग जेड़े हैगे आ फ्लैट्स ने। सो टोटल फ्लैट्स किन्ने आ 6, ओके। सो ये असी पहला बेसिक ड्रा कर लिया, हुण इहदे विच की कह रिहा वा, क्यू गेट्स अ नॉर्थ फेसिंग फ्लैट एंड इज नॉट नेक्स्ट टू एस, ठीक है। क्यू नु जेड़ा हैगा वा नॉर्थ फेसिंग फ्लैट मिलदा वा, मतलब इन्हां दे विचों कोई एक मिलदा वा, हल्ले आपां इहनूं रख लैने आ साइड दे उत्ते, ओके। दूसरी इनफॉर्मेशन दे की दे रिहा है, एंड इज नॉट नेक्स्ट टू एस, ठीक है, क्यू और एस जिहड़े हैगे आ ओह आपस दे विच नाल नाल नहीं हैगे, राइट, आपस दे विच इह नहीं हैगे, ठीक है। सो एस एंड यू गेट डायगनली ऑपोजिट कॉर्नर फ्लैट्स, ठीक है। डायगनली ऑपोजिट किस तरह हुंदा वा, ठीक है, देखो जिस तरह इत्थे ट्राइंगल, इत्थे इह एक रैक्टेंगल हो गई, ठीक है, इह रैक्टेंगल दे 4 कोने आ, ओके। सो जदों असीं इहनां दे डायगनल जिहड़े हैगे आ, ठीक है, ए वाले डायगनल होंदे इहनां नूं मिला दिंदे आ, ओके। सो डायगनल ऑपोजिट मतलब ए वाले जो जिसी नूं ए बी सी डी मार्क करदी है, सो ए एंड सी आर डायगनली ऑपोजिट, बी एंड डी आर डायगनली ऑपोजिट, ओके। सो इत्थों भी मतलब की होया, इहदा डायगनली ऑपोजिट की होगा ए वाला, ओके, और इस दा जिहड़ा हैगा वो डायगनली ऑपोजिट केड़ा होएगा, वो ए लोकेशन होएगी, ठीक है। सो इत्थे इहने की कहा कि एस एंड क्यू आर डायगनली ऑपोजिट कॉर्नर फ्लैट्स, ठीक है। सो इहदा मतलब की आ कि एस एंड क्यू जिहड़े हैगे आ वो कॉर्नर दे फ्लैट आ और डायगनली ऑपोजिट आ। सो इहदा मतलब जे एस इहदे विच आ तां यू किथे होगी, यू होगी उपर, राइट, ठीक है। सो डायगनली ऑपोजिट ने, एस इधर आ और यू किथे होगी उपर, ठीक है, ओके। सो अगे देखते हैं होर अगली स्टेटमेंट की है, आर नेक्स्ट टू यू, ठीक है, जिहड़ी आर हैगी आ ओह नेक्स्ट टू यू है, राइट, आर यू दे नाल जुड़ के जुड़दी है, ओके। गेट अ साउथ फेसिंग फ्लैट, ठीक है, बिल्कुल ये उपरले साउथ फेसिंग फ्लैट दे विच ही आएगी, राइट, ठीक है, ओके।
एंड टी गेट नॉर्थ फेसिंग फ्लैट। ठीक है, जो टी है इस तो अलावा क्यू तो अलावा जो है टी है वह भी नॉर्थ फेसिंग है। ठीक है, सो साड़ी हम की बनती है ये गल, सानू ये एक ही गल पता लगी कि एस एंड यू जो है डायगनली ने, ओके ऑपोजिट। सो अगर आर यू दे नाल लगती है तो यू भावे जो मर्जी डायगनल हो, जो मर्जी कॉर्नर हो, ए कॉर्नर हो या ए कॉर्नर हो, राइट। ठीक है, यू दो पोजिशन के उत्ते हो सकता वा क्योंकि सानू पता लग गया वा कि यू जो है वो साउथ फेसिंग वालों के बच्चे है, ओके। सो या तो यू की पोजिशन ये हो सकती है जां यू दी पोजीशन ए हो सकती है। ठीक है, सो अल्टीमेटली आर तो विचला आर ही रहना वा, राइट। ठीक है, सो इधर असी थले देखिया, थले की है साढ़े को क्यू भी है, एस भी है, टी भी है। ठीक है, सो यदा मतलब साढ़े को जी तीसरी आनी है ये यू आर एस टी, ओके। यदा मतलब साढ़े को पी जोड़ा है वो भी उपरले ही आना वा, साउथ फेसिंग फ्लैट के पी का फ्लैट होगा, ओके, क्योंकि इधर क्यू टी एस जे है तीन पूरे है, राइट। सो इस करके आप इतने देख लेना पी, सो मतलब बनती की गल है इतने या यू आएगा या पी आएगा, इतने या पी आएगा या यू आएगा। ठीक है, कॉर्नर वाले के उत्ते, राइट। सिमिलरली जो है आप देख सकते हैं कि इतने की लिखा हुआ वा, क्यू डज नॉट, क्यू जोड़ा है वा वह एस तो नैक्सट नहीं है, मतलब क्यू और एस दोनों जुड़े जुड़े नहीं है। अच्छा ठीक है, हम ये आपू पता वा भी एस या तो जो ए कॉर्नर है वो होएगा या ए वाला होगा किसी एक कॉर्नर च होगा, ओके। अगर एस जोड़ा क्यू के नाल नहीं लगता, ठीक है, यदा मतलब गब्बे वाला क्यू तो नहीं हो सकता, इट कैन नॉट बी क्यू। ठीक है, सो एस जिधर भी होएगा वो क्यू के नाल लगी लगेगा ही, ओके। सो ये मतलब जरा है वह साइडा के उत्ते भी या एस आएगा या क्यू आएगा। ठीक है, ये जो है पोजिशन रहेगी। ठीक है, तो सब इसका मतलब गब्बे कौन आएगा, गब्बे आएगा इन्होंने विचकार टी, ओके, लगे समझ। ठीक है, तो थोड़ी सफाई कर देने हम, इतने तक गल होगी क्लीयर, क्यू भी दोबारा लिख देना मैं, राइट। और हूँ आप देखते हैं कि क्वेश्चन की पूछ रहा वा, क्वेश्चन पूछ रहा वा इफ फ्लैट्स ऑफ टी एंड पी आर इंटरचेंज। ठीक है, हूँ की है फ्लैट्स ऑफ टी एंड पी आर इंटरचेंज। देखो पी आ भी हो सकता वा, पी आ भी हो सकता वा, ओके। सो ये टी ते पी दे जड़े हैगे आ वह फ्लैट इंटरचेंज कर दिते जाए, हूज फ्लैट विल बी नैक्सट टू यू। ठीक है, ओके, सो यू दे यू तो अगला फ्लैट मतलब यू दे नाल दा फ्लैट केड़ा रहेगा, ओके, राइट। यू दे नाल दा फ्लैट तो हमेशा आ रही रहेगा किसी भी केस दे विच लगा लो। ठीक है, पहला केस असी देख लो क्योंकि दो पॉसिबिलिटियां वा, यू किधर भी हो सकता, सानू ये नहीं पता लगा हाले तक क्लूज तो कि यू केड़ा वा, ओके। सो इतने असी मान लो यू आ ते ए पी हो जाएगा, हुण टी ने पी नाल फ्लैट चेंज कर लिया, राइट। इतने की फर्क पिया, ओके, हूज फ्लैट विल बी नैक्सट टू द यू। ठीक है, यू तो अगला फ्लैट केड़ा होया, कौन वह तो आ रही रहना वा गब्बे। ठीक है, ओके, इदा ही भावें तुसी दूसरी तरह अज्यूम करके देख लो कि इधर पी आ और इधर यू आ, टी ने पी नाल कमरा जिहड़ा हैगा एक्सचेंज कर रहा है। ठीक है, सो यू का जिहड़ा नेबर आ विच इज़ नैक्सट टू यू, उत्ते की फर्क पिया, वह तो आ रही रहना वा, ओके। सो हूज फ्लैट विल बी नैक्सट टू दैट ऑफ यू, कौन आंसर आएगा, आर, राइट। लगे समझ, ठीक है। सो वही अपना जो कॉमन सेंस लगानी है, ओके, सो वही ये चीज है। अच्छा, हुण अगला क्वेश्चन देखो, विच पेयर ऑफ द फ्लैट्स लाइक एस यू आर डायगनली ऑपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, सो हुण आपां देखिया कि एस एंड यू जिहड़े हैगे डायगनली ऑपोजिट है। ठीक है, सो सो दूसरा दूसरे पेयर केड़ा होगा, ओके, सो दूसरा पेयर की होगा अपने को क्यू एंड पी, राइट। ठीक है, सो जिस तरह आप लाया इसे हिसाब किताब, ठीक है, सो जे अपना यह एस हो गया, राइट, ए यू हो जाएगा, ओके, एस एंड यू क्योंकि डायगनली ऑपोजिट है, ओके। सो इधर की बनेगा, इधर पी आएगा, ओके, और इधर की है एस इधर लग गया, सो इतने यदा मतलब जोड़ा है क्यू आएगा। ठीक है, सो अगर एस एंड यू जोड़े है डायगनली ऑपोजिट है, सो दूसरा डायगनली ऑपोजिट पेयर कि बनता पी एंड क्यू, ओके, राइट। सो ये सू भी पता लग गया कि पी एंड क्यू या क्यू और पी जी है दूसरी दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर।
ठीक है। सो ये सवाल सेगा ये, ठीक है, थोड़ा जा जरूर कईयों नूं इहदे विच शायद कंफ्यूज होंगी हो, पर मैं यकीन है कि हम जिस तरह मैं समझाया तो बिल्कुल क्लैरिटी आ गई होगी। ओके सो अच्छा अगला क्वेश्चन देखो हम, क्वेश्चन नंबर टू पढ़ो जरा क्वेश्चन। राइट, सो इतने तक पहली स्टेटमेंट है, इंस्ट्रक्शन बड़ा सिंपल क्वेश्चन है दिख रहा वा। राइट, सो प्रैक्टिस मैं एक्चुअली ता ही करवा रहा हूँ क्योंकि आप काफी पिछले क्वेश्चन के विच काफी चीजें की है कि आप काफी कंसैप्ट देखे, थोड़े डिफिकल्ट हाई लेवल दे भी देखे, बट मैं ये यकीन नहीं करना चाहता वा कि एटलीस्ट जो है जो बेसिक लेवल के क्वेश्चन है उन्होंने कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके सो ए बी सी डी, ओके सेवन कितने परसन हो गए टोटल, सेवन, ठीक है। दे आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल एंड आर फेसिंग सेंटर, ठीक है, सारे सेंटर वाल फेस करते पे है। ओके सो आओ सब तो पहले आप बना लीए अपना गोला। राइट, सो सात बंदे है। ओके सो ये हम की आया वा, जी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस। सो की कह रहे हैं, जी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, ठीक है, सी नु इथे टका लो, जी केड़ी है सी तो सेकेंड, सेकेंड लेफ्ट दे उते जी है। ओके और हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, ठीक है, एफ दे इमीडिएट लेफ्ट दे विच कौन है, सी। देखो इथे हु है और हु किनु रेफर करता वा, सेकेंड एलिमेंट नु या नियरेस्ट एलिमेंट नु, ठीक है। सो इथे की आ रहा है, ये सी नु रेफर कर रहा हु। ओके इस गल का भुलेखा ना रखना, बार बार पहले मैंने तुम समझाया वा कि हु जो है वो सेकेंड एलीमेंट नु करता वा एड्रेस, यदा मतलब ये नहीं है कि जी जी की गल नहीं हो रही है, इतने सी की गल हो रही है। ओके सो इतने तक अपने हो गया क्लू, ए इज द थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, ठीक है, ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई। राइट, सो ये साढ़े को किथे बन रही है पोजीशन सही। थर्ड टू द लेफ्ट, ठीक है, सो थर्ड टू द लेफ्ट मतलब इस दो छड़ने पैने हैं। राइट, हम ये सिचुएशन किथे सेट बनती है। राइट, जे असी इथे भी बिठाइए, ओके ए इज टू द थर्ड ऑफ लेफ्ट ऑफ ई, ओके ई द ई नू इथे बिठा दईए, ठीक है, ई द लेफ्ट केड़ा होया, ए वाला। ओके सो थर्ड यार थर्ड इधर हो ही नहीं सकता क्योंकि विच दो छड़ देते तो थर्ड दी पोजीशन ते पहला ही एफ बैठा होया वा। राइट, सो इधर ही साडी सिचुएशन जिहड़ी सेट बैठदी है वो केड़ी बैठदी है, अगर ई नू असी इथे मार्क करते हैं, ठीक है, ई नू असी जे इथे मार्क करते हैं तां ही जिहड़ी हैगी आ साडी सिचुएशन सेट बैठेगी। ओके क्यों, क्योंकि ई दे थर्ड लेफ्ट दे विच मतलब दो जगह विच छड़ के की आंदा वा ए। ओके लग्या समझ, ठीक है। एंड फाइनली बी इज बिटवीन डी एंड ई, सो इहदा मतलब ई साडे कोल हैगा वा और ए की कह रहा है, बी इज बिटवीन डी एंड ई, सो ए डी है ए ई है इथे, मतलब इदा साडा हो गया कंप्लीट सर्कल। राइट, हम ये रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन आते हैं उस उसी क्वेश्चन कर सकते हैं एड्रेस। राइट, बड़ा इजी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, प्रैक्टिस कर रहे हैं अज आप, उस तो हम थोड़ा जहा देखो होर क्वेश्चन दे विच, ये विच तुहानू ट्विस्ट मिलेगा, ठीक है। हम क्वेश्चन पढ़ो जरा, अच्छा इतने तक देखो, इतने तक अपनी पहली इंस्ट्रक्शन है, इस तो अगे हो गए क्लूज शुरू, ठीक है। सो गल की कीती गई है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आर सिटिंग ऑन अ वॉल, किन्ने बंदे है, सात बंदे, ऑल ऑफ देम फेसिंग ईस्ट, किधर नु फेस करते हैं, ईस्ट वाल नु, ठीक है। सो ये मतलब कि की है कि हम सानू इस तरीके ना लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। राइट, इस तरीके ना असी देखांगे, बट इस तरीके ना देखांगे तो असी काफी कंफ्यूज हो जावांगे, ठीक है, इस करके आप इदा नहीं करना। राइट, आपां जो है ला जो ड्रॉ करनी है पोजीशंस वो इसे तरह ही कर लेने हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, असी मान लेने हैं कि ईस्ट जिहड़ा हैगा वो इस साइड दे उत्ते ईस्ट है, ठीक है, या कह लो कि जो अपना कन्वेंशनल साइड डायरेक्शन वाला रहिंदा वा। राइट,
ਸਾਡੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਰਥ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਵੈਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਈਸਟ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੁਆਟਰ ਘੁਮਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਈਸਟ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਈ ਐਨ ਡਬਲਯੂ ਐਸ, ਇਹ ਨਾਰਥ ਸਾਈਡ, ਇਹ ਸਾਊਥ ਸਾਈਡ, ਸਾਊਥ ਸਾਈਡ। ਓਕੇ, ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਲਿਊਜ਼। ਕਲਿਊਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਸੀ ਇਜ਼ ਔਨ ਦ ਇਮੀਡੀਏਟ ਰਾਈਟ ਆਫ ਡੀ, ਡੀ ਦੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਰਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਡੀ ਦੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਰਾਈਟ 'ਚ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਸੀ। ਓਕੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਲਿਆ ਕਲੂ। ਓਕੇ, ਬੀ ਇਜ਼ ਐਟ ਐਨ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਐਂਡ ਹੈਜ਼ ਈ ਐਜ਼ ਹਿਸ ਨੇਬਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬੀ ਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਈ ਬੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਰਾਈਟ। ਚਲੋ ਇਹਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਦੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਆਪਾਂ ਡਰਾਅ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਕਰ ਲਿਆ ਬੀ ਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬੀ ਈ, ਰਾਈਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੀ ਇਜ਼ ਐਟ ਐਨ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਐਂਡ ਹੈਜ਼ ਨੇ ਈ ਹੈਜ਼ ਹਿਸ ਐਂਡ ਹੈਜ਼ ਈ ਐਜ਼ ਹਿਸ ਨੇਬਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਐਂਡ ਦੇ ਹੋ ਗਿਆ ਦੋਨਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਓਕੇ, ਬਟ ਐਂਡ ਈ ਉਹਦਾ ਨੇਬਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੀ ਇਜ਼ ਬਿਟਵੀਨ ਈ ਐਂਡ ਐਫ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੀ ਦੇ, ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਈ ਦੇ ਐਫ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ, ਮਤਲਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਏਗੀ ਐਫ, ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਜੀ ਇਜ਼ ਬਿਟਵੀਨ ਈ ਐਂਡ ਐਫ, ਓਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਡਰਾਅ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ, ਜੀ ਇਜ਼ ਬਿਟਵੀਨ ਈ ਐਂਡ ਐਫ, ਰਾਈਟ, ਇੱਥੇ ਸੋਰੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਐਫ ਹੋਣਾ, ਜੀ ਇਜ਼ ਬਿਟਵੀਨ ਈ ਐਂਡ ਐਫ। ਓਕੇ, ਸਿਟਿੰਗ, ਡੀ ਇਜ਼ ਸਿਟਿੰਗ ਥਰਡ ਫਰੋਮ ਸਾਊਥ ਐਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਸਿਟਿੰਗ ਥਰਡ ਫਰੋਮ ਦ ਸਾਊਥ ਐਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੋ ਤਿੰਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਏਗੀ, ਡੀ ਆਏਗੀ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਸਾਡੇ, ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਥਰਡ ਐਂਡ ਫਰੋਮ ਸਾਊਥ, ਅੱਛਾ ਸਾਊਥ, ਸਾਊਥ ਐਂਡ ਬੋਲਿਆ ਵਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਊਥ ਐਂਡ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ, ਦੇਖੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਈਸਟ ਜੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਊਥ ਐਂਡ ਕਿਹੜਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਊਥ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਜੋ ਹੈ ਸਾਊਥ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੀਸਰਾ ਥਰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਦੋ ਛੱਡ ਕੇ ਡੀ ਲਗਾਈ ਆ। ਓਕੇ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਊਥ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਡੀ ਲਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਓਕੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਹ ਨੌਰਥ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਊਥ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਲਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਫੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਰੋਂਗ। ਓਕੇ, ਸੋ ਡੀ ਇਜ਼ ਸਿਟਿੰਗ ਥਰਡ ਫਰੋਮ ਦ ਸਾਊਥ ਐਂਡ। ਓਕੇ, ਸੀ ਇਜ਼ ਔਨ ਦ ਇਮੀਡੀਏਟ ਰਾਈਟ ਆਫ ਡੀ, ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਸੀ ਔਨ ਦ ਇਮੀਡੀਏਟ ਰਾਈਟ ਆਫ ਡੀ, ਇਹ ਕੁਛ ਇਹ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਏ ਬੀ ਸੀ ਡੀ ਈ ਐਫ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕੁਐਸਚਨ ਦੱਸਿਆ ਹੂ ਇਜ਼ ਸਿਟਿੰਗ ਟੂ ਦ ਰਾਈਟ ਆਫ ਈ, ਈ ਦੇ ਰਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਹੈ ਈ ਦੇ ਰਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਵਿਚ ਪੇਅਰ ਆਫ ਪੀਪਲ ਆਰ ਸਿਟਿੰਗ ਐਟ ਦ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਐਂਡ, ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ, ਇੱਧਰ ਬੀ, ਇੱਧਰ ਏ, ਇੱਧਰ ਬੀ। ਓਕੇ, ਸੋ ਏ ਬੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡੀ ਇਜ਼ ਸਿਟਿੰਗ ਬਿਟਵੀਨ ਵਿਚ ਪੇਅਰ, ਠੀਕ, ਡੀ ਕਿਹੜੇ ਪੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਡੀ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਡੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਐਫ ਐਂਡ ਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਡੀ ਇਜ਼ ਸਿਟਿੰਗ ਬਿਟਵੀਨ ਵਿਚ ਪੇਅਰ, ਐਫ ਐਂਡ ਸੀ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਦੇ ਆਨਸਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਰਾਈਟ।
बस गल ये करने वाली की सी कि नॉर्थ की जिदा ये ईस्ट की गल की सी कि ईस्ट वाले पासे नूं सो आपां जिहड़ी भी डायरेक्शन आई उहनूं उपर अपने सीधे हथ रिज्यूम करो ठीक है। ਤੁਸੀਂ ਸਾਊਥ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਪੰਗਾ ਓਕੇ। ਜੇ ਇਸ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰੀ ਕਰਦੇ ਖੜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਜੋ ਹੈ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਹ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਰਾਈਟ ਠੀਕ ਹੈ। सो जो लास्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी का एग्जाम है उसके विचों ही लिया गया वा क्वेश्चन ठीक है। सो बिल्कुल सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है तुहाडे सामने, एक बारी पढ़ो जरा स्टेटमेंट नू और फिर करते हैं सॉल्व। ठीक है, सो कितने बंदे देख रहे हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच जी राइट, 7% है। सो गोला मार लो सत्ता वाला, ठीक है। हुण की कह रहे हैं, क्लूज पढ़ने शुरू करो। क्लू पहला की है, ई इज द नेबर ऑफ ए एंड डी ठीक है, ये मतलब की हो सकता वा ई इज द नेबर ऑफ ए एंड डी, जहाँ ए डी नूं बहुत प्यार करता वा वो ठीक है नेबर है राइट, या ये मतलब ए एंड डी हम किसी पास भी हो सकता ना, डी इधर ए इधर ओके। सो ये हो गया ठीक है। जी इज नॉट बिटवीन एफ एंड सी, जी एफ एंड सी के विचकार नहीं हैगा ठीक है। एफ इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ ए, एफ जिहड़ा हैगा वो ए दे बिल्कुल इमीडिएट राइट है। सो इत्थे सानू एक प्रॉपर जिहड़ी हैगी है वो चीज मिली है ठीक है, जिहनूं आपां जित्थों आपां क्वेश्चन नूं कर सकदे हां स्टार्ट। सो बिल्कुल जिहड़ा बॉटम दे उत्ते आपां लैणे आ किहनूं टिकाओ, ए नूं टिकाओ ठीक है, ए नूं बॉटम उत्ते टिकाता। F is to the immediate right of A. A का immediate right केड़ा वा? F. Okay? ठीक है। हुण इहदे विच की गल कीती गई है कि E is the neighbor of A and D. So E मतलब A का neighbor है, so इधर तो already position cover है E दी, A दी, so इधर कौन आएगा? E. ठीक है, E is the neighbor of A, A का neighbor है, तो 4 के का neighbor है नाल D का भी neighbor है ओके। अच्छा अगली स्टेटमेंट देखिए, जी इज नॉट बिटवीन एफ एंड सी ठीक है, एफ साडे कोल है ठीक है, जी एफ एंड सी दे विचकार नहीं है। सो एफ एंड सी अगर ड्रॉ करना हो मतलब उन्होंने दे विच आपां नूं खाली जगह छड्डनी पैनी है, ये एफ हो गया, सो सी कित्थे आएगा? इत्थे ठीक है। और इत्थे की लिखा है, जी इज नॉट बिटवीन एफ एंड सी, जे एफ एंड सी दे विचकार नहीं है तो इक्को पोजीशन खाली है ओके। इथे करो ज्वाइन, इथे आ गया साडा जी ठीक है, इथे इथे की आ गया साडा जो बचिया वा कौन बी राइट। सो ए जो है साडा ये सॉल्व हो गया वा क्वेश्चन। हुण जो भी इहदे अगे क्वेश्चन होणगे तुसीं सारे वो आंसर करने है राइट। सो पहला क्वेश्चन केड़ा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डज नॉट हैव द पेयर ऑफ पर्सन सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर ठीक है। सो इन्हां विचों डज नॉट दे ध्यान देना वा कि इन्हां विचों केड़ा वो पेयर नहीं हैगा ठीक है, जिहड़ा के आपस इकट्ठे बैठे हुए आ राइट। आपां रोंग वन इक तरह फाइंड आउट करना वा ओके। सो वही पिछली वाली डायग्राम मैं इत्थे कन्वीनियंसली बना दिती है ताकि तुसीं आराम नाल करो आइडेंटिफाई ठीक है, केड़े इन्हां दे विचों पेयर नहीं हैगे। बी ए ठीक है, बी ए पेयर नहीं हैगा क्योंकि बी जिहड़े हैगा वो किथे, ए किथे राइट, बी ए नहीं हैगा। सी बी हैगा वा ओके ठीक है, डी ई भी हैगा वा ओके, जी डी भी हैगा वा राइट। सो सानू आंसर तो पहली बारी मिल रहा सी, बस मैं थोड़ी तसल्ली तो करा रहा सीगा ओके। सो साडा आंसर आ जाना वा ए ठीक है, ए दे विच सानू बिल्कुल भी जिदा अंदाजा नहीं सीगा राइट। हुण आपां शुरू करते हैं। अच्छा, ओ सॉरी सॉरी ठीक है, पहला क्वेश्चन कीता है तो थले दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज द सेकंड पर्सन सिटिंग इमीडिएटली टू द राइट ऑफ फर्स्ट ठीक है। सो इना कपल्स दे विच, इना पेयर्स दे विच ठीक है, ए दा जिहड़ा हैगा वा ओहो इमीडिएट राइट कौन है ठीक है, पहला
पहली जो टर्म है फर्स्ट राइट का जरा अगे सेकंड पर्सन कौन है तो क्या जो है बी जो है ए दे राइट विच है इमीडिएटली राइट दे विच तो है ही नहीं है ओके थे इमीडिएट पूछा हुआ राइट सो पहली ऑप्शन हो गई गलत ठीक है दूसरी ऑप्शन की है क्या बी सी दे राइट दे विच है बी सी दे राइट दे विच है लेफ्ट दे विच है बी सी दे ठीक है ये भी स्टेटमेंट हो गई रॉन्ग ई ए ठीक है ए जो है ई दे राइट विच है बिल्कुल है ए ई दे राइट विच है ठीक है डी जी डी और जी ठीक है जी जड़ी है और डी दे राइट विच है कि लेफ्ट विच है लेफ्ट विच है ठीक है सो ये भी नहीं आएगी तो साड़ा आंसर की आएगा ई ए राइट ओके ठीक है सो अगला क्वेश्चन जड़ा इधर आ गया व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एफ एफ दी पोजीशन की है ठीक है सो ये वो पीछे सेम क्वेश्चन वही चल रहा है राइट सो इधर मैं इधर ड्रॉ करके रखा है ऑलरेडी इधर सर्कल जो है ताकि अपना क्वेश्चंस में इजीली आंसर कर सके व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एफ थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी ठीक है सी और एफ दे विच दो दा फर्क है नहीं ठीक है थर्ड क्या है ना ठीक है सो दो दा फर्क नहीं है अरे ज्यादा फर्क है ओके सो पहला अपना हो गया स्टेटमेंट रॉन्ग सेकंड टू द राइट ऑफ सी ठीक है सी दी राइट दे विच ता नहीं हैगा ये एफ ओके सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी आए सी दे लेफ्ट विच है सेकंड दे विच ना कि राइट दे विच ओके सो इस करके ए भी रॉन्ग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए इमीडिएट लेफ्ट केड़ा वा ए राइट है कि लेफ्ट है ये अंदर राइट लेफ्ट नहीं है ये राइट है ओके सो इस करके सही आंसर की है सी ठीक है सी इज द राइट आंसर ओके अच्छा आगे देखो हु आर द नेबर्स ऑफ बी बी दे नेबर्स कौन है ठीक है हम बी दे तुसी गुआंडी कौन है एफ एंड सी राइट सो इस तरीके दे नाल जेड़े हैगे असी ये क्वेश्चन करने हैं अटेम्प्ट एक बारी असी डायग्राम बना ली बाद विच तां की गल है बस बाद विच तां असी आंसर जेड़े हैगे आ ओ झाड़दे जाना बिल्कुल अच्छा इहदे विच एक होर क्वेश्चन आ देख लो पांच क्वेश्चन सीगे इक्को क्लस्टर दे अंदर ठीक है पांच क्वेश्चन 12.5 नंबर राइट ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग पर्संस आर सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ठीक है इन्हां विचों जिद्दां ये बैठे है लेफ्ट टू राइट है किहदा पैटर्न है बी जी सी बी जी सी इहदा उदे नहीं पैटर्न बन रहा गलत है एफ बी सी ठीक है यह लेफ्ट टू राइट हो रहा वा बिल्कुल बी एफ बी सी जिहड़ा हैगा वो लेफ्ट तो राइट हो रहा वा ओके अगला हैगा सी डी जी ठीक है लेफ्ट टू राइट सी डी जी हैगा वा सी डी जी इहदा पैटर्न ही बन रहा कोई गलत है अच्छा अगला डी हैगा वा ई डी जी राइट अच्छा ई डी जी किधर नु जांदा वा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जांदा वा ठीक है नहीं राइट टू लेफ्ट जांदा ई डी जी ठीक है राइट है ए लेफ्ट है ओके सो इहदा मतलब जिहड़ा हैगा वा साडा आंसर केड़ा हैगा वा ओ एफ बी सी ठीक हुण देखो अगला क्वेश्चन यह क्वेश्चन जिहड़ा हैगा वा यह आया है PCS 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਸੀਟਿੰਗ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਦਾ ਬਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਓਕੇ ਸੋ ਪੜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਯਾਰਾ ਅ ਕਲਾਸਰੂਮ ਹੈਜ਼ 4 ਬੈਂਚਸ ਚਾਰ ਬੈਂਚ ਆ ਈਚ ਵਨ ਕੈਨ ਸੀਟ 2 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਉੱਤੇ ਦੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਆ ਹਰੇਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸਿਊਮ ਦੈਟ ਦਾ ਬੈਂਚਸ ਆਰ ਨੰਬਰ 1 ਟੂ 0 ਫਰੋਮ ਫਰੰਟ ਟੂ ਬੈਕ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਲਿਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਾਅ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਬੈਂਚ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ
ਇਹ ਬੈਂਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਆ ਨੰਬਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਰੋਮ ਫਰੰਟ ਟੂ ਬੈਕ ਓਕੇ 8 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਏ ਬੀ ਸੀ ਡੀ ਈ ਐਫ ਜੀ ਐਚ ਆਰ ਸਿਟਿੰਗ ਔਨ ਦਾ ਬੈਂਚਸ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋ ਦੋ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਤੇ ਬੈਂਚ ਤੇ ਦੋ ਦੋ ਆੜੇ ਜਾਣੇ ਆ ਤਾਂ 8 ਜਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬੈਂਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਟ ਨੈਸੈਸਰੀ ਇਨ ਦੈਟ ਆਰਡਰ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਆਰਡਰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਏ ਬੀ ਸੀ ਡੀ ਈ ਐਫ ਜੀ ਐਚ ਹੋਣਾ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਟ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਨੋਨ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਲੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ ਏ ਐਂਡ ਜੀ ਹੈਵ ਗੈਪ ਆਫ ਟੂ ਬੈਂਚਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦੈਮ ਸੋ ਡੂ ਬੀ ਐਂਡ ਐਚ ਠੀਕ ਹੈ ਏ ਐਂਡ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੈਂਚਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਫਰਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਦੋ ਬੈਂਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਰਾਈਟ ਸੋ ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਬਾਈ ਜਾਂ ਏ ਆਏਗੀ ਇੱਥੇ ਜੇ ਏ ਇੱਥੇ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਚਾਰ ਹੀ ਦਾ ਬੈਂਚ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏਗੀ ਰਾਈਟ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬੀ ਐਂਡ ਐਚ ਬੀ ਐਂਡ ਐਚ ਵੀ ਦੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਾਸਲਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬੀ ਐਂਡ ਐਚ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਹੈ ਸੋ ਦੋ ਬੈਂਚ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ ਰਾਈਟ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬੀ ਥੱਲੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬੀ ਐਚ ਔਰ ਐਚ ਬੀ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਰਾਈਟ ਸੋ ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ ਸੀ ਐਂਡ ਈ ਆਰ ਨੋਟ ਸਿਟਿੰਗ ਔਨ ਦਾ ਸੇਮ ਬੈਂਚ ਠੀਕ ਹੈ ਕੀ ਹਿੰਟ ਹੈ ਸੀ ਔਰ ਈ ਇਕੋ ਬੈਂਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਗੇ ਰਾਈਟ ਠੀਕ ਹੈ ਡੀ ਇਜ਼ ਸਿਟਿੰਗ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਐਫ ਐਂਡ ਐਫ ਇਜ਼ ਸਿਟਿੰਗ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਐਫ ਦੇ ਫਰੰਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਐਫ ਇਜ਼ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਵਾ ਰਾਈਟ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਪਰਟੀਕੁਲਰਲੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਏ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਜੀ ਆਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਾਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡੀ ਐਫ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਵਾਏ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇ ਜੀ ਤੀਸਰੇ ਜੇ ਜਾਂ ਤੇ ਜੀ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੀਜੇ ਡੈਸਕ ਤੇ ਆ ਜਾਊਗੀ ਜੇ ਤੀਜੇ ਡੈਸਕ ਤੇ ਆ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਏ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਚੌਥੇ ਡੈਸਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿਗੜ ਜਾਣਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸੋ ਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਏ ਔਰ ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੋ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਵਾ ਨਾ ਸੋ ਏ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਹੇਅਰ ਠੀਕ ਹੈ ਏ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ ਰਾਈਟ ਏ ਡੀ ਐਫ ਜੀ ਸੋ ਆਓ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਏ ਡੀ ਐਫ ਜੀ ਓਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਊਗਾ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਬੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਐਚ ਆ ਜਾਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਐਚ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਬੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਰਾਈਟ ਹੁਣ ਅੱਛਾ ਅਗਲਾ ਡਾਊਟ ਅਗਲਾ ਕਲੂ ਪੜੋ ਈ ਐਂਡ ਸੀ ਆਰ ਨੋਟ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਔਨ ਦਾ ਸੇਮ ਬੈਂਚ ਸੀ ਐਂਡ ਈ ਆਰ ਨੋਟ ਸਿਟਿੰਗ ਔਨ ਦਾ ਸੇਮ ਬੈਂਚ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਔਰ ਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੇਮ ਬੈਂਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲੋਂਗ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਸੀ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਈ ਆਊਗੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਈ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੀ ਆਊਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਫੰਡਾ ਰਾਈਟ ਓਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਦਾ ਟਰੂ ਓਕੇ ਸੋ ਉਹ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਬੇਸ ਉੱਤੇ ਜੋ ਹਿੰਟ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਿਆ ਇੱਥੇ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਟਰੂ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟਰੂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਏ ਐਂਡ ਐਚ ਆਰ ਸਿਟਿੰਗ ਟੂਗੈਦਰ ਏ ਐਂਡ ਐਚ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਏ ਇੱਥੇ ਆ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਐਚ ਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਬੈਠਣ ਦੀ ਰਾਈਟ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਟਰੂ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਸੀ ਐਂਡ ਐਫ ਆਰ ਸਿਟਿੰਗ ਟੂਗੈਦਰ ਠੀਕ ਹੈ ਸੀ ਐਂਡ ਐਫ ਦੇਖੋ ਆਹ ਤੀਸਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਹੀ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇੱਧਰ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਧਰ ਐਫ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਐਂਡ ਐਫ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਬੀ ਐਂਡ ਸੀ ਆਰ ਸਿਟਿੰਗ ਟੂਗੈਦਰ ਠੀਕ ਹੈ ਦੇਖੋ ਬੀ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਆਊਗੀ ਚੌਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਤਾਂ ਬੈਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਔਰ ਚੌਥੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਕਸ ਆ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਏ ਆ ਚੌਥੇ ਦੀ ਜੀ ਆ
ठीक है। सो अगर आप गल करो बी दी, तो बी या ए ना बैठूगा या बैठूगा जी दे ना, ठीक है। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग और यही हो गया सारा आंसर, ठीक है। अगला भी देख लो, कर स्टेटमेंट डी एंड ई आर सिटिंग टुगेदर, ठीक है। डी और ई जो है बिल्कुल आप देख सकते हैं। ओके सो ई जो है प्राप्त होया, राइट, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, इन्हें विचों केड़ा जो है वो ट्रू ही होना चाहिए था, ठीक है। सो जी एंड एच आर सिटिंग टुगेदर, ठीक है। जी एंड एच आर सिटिंग टुगेदर जरूरी नहीं है, इतने जी एच है इकट्ठे, ठीक है। बट इतने इदा भी हो सकता वा कि इतने बी बी आना पवे उस दिन, ठीक है, और ए जो है अपनी ड्यूटी उत्ते हो, राइट। सो जी एंड एच आर सिटिंग टुगेदर, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, ए ट्रू हो सकता वा बट मस्ट बी ट्रू नहीं है, ठीक है। ई इज नॉट सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच, ई जरा है वो लास्ट बेंच के उत्ते नहीं बैठ रहा, ठीक है। लास्ट बेंच पे की है जी एच या बी देख रहा है, ठीक है। सो आंसर इज बी, ई इज नॉट सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच, एच इज नॉट सिटिंग ऑन फर्स्ट बेंच, एफ इज नॉट सिटिंग ऑन द थर्ड बेंच, ठीक है। सो सानू की मिल रहा है भाई इधर आंसर, ई इज नॉट सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच, ये सारा आंसर आएगा, बाकी सारे आंसर नहीं बन रहे, ठीक है। अच्छा जी, हम आगे देखो अगला क्वेश्चन, सेम वही क्वेश्चन चल रहा है। सो देखो क्लस्टर क्वेश्चन किस तरह आते हैं, एक क्वेश्चन आता है उस चार चार पांच पांच क्वेश्चन सीधा 10 12 नंबर सारे जो है वो बन जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ पॉसिबल सिटिंग ऑर्डर फ्रॉम फ्रंट टू बैक, ठीक है। शुरू तो होते हुए पिछले जाते हुए ए जरा के अंदर जो केड़ा वाला जगह के पॉसिबल सिटिंग ऑर्डर नहीं हो सकता। सो ए डी एफ जी बिल्कुल हो रहा है, ठीक है। दूसरे दे ए डी एफ बी, ठीक है। ए डी एफ बी बिल्कुल, इतने बी आ सकती है, ये भी सारा जरा है वो हो सकता है, ठीक है। ए एफ ई बी, ठीक है। ए एफ नहीं, ए तो बाद एफ नहीं आ सकती, एफ तीसरे आती है, सो ए नहीं हो सकता, ठीक है। सो सारा आंसर आ गया सी, राइट। लग रही है समझ, आप इतनी जी स्लैश पा के लिखा ना, यहाँ मतलब ये है कि इतने बी भी आ सकता या एच भी आ सकता, ठीक है। और थले जो है यहाँ मतलब इतने एच भी आ सकता बी भी आ सकता, राइट। सो इस तरीके आप कड़ लिया, ठीक है, क्योंकि साढ़े को होर क्लू नहीं हले सू दिते हुए कि कन्फर्म हो जाइए, ठीक है। और क्वेश्चन जो कर रहा वो भी सू इस तरह ही कर रहा वा कि जिन्ना किसी को हैगा वा उस हिसाब न दस दौ, ओके। अच्छा अगला क्वेश्चन देखो, इन एडिशन टू द गिवन इनफॉरमेशन, जो हले तक अपने को इनफॉरमेशन सी आप जनरेट किया, ठीक है, पैटर्न, ठीक है। हम अगे सू कुछ होर इनफॉरमेशन दे रहे हैं, इफ इट इज नोन दैट बी इज सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच, जे सू पता लग जाए बी लास्ट बेंच से बैठा वा तो इतों अं एच नटावे, ठीक है, एच नावे सब तो उत्ते, ठीक है, ओके। तो बी हटा दिता, ठीक है, क्योंकि बी और एच के आप पढ़िया दो बेंचा का अंतर है, इन्होंने गब्बे दो बेंच होने चाहिए है, सो एक लास्ट से होगा एक फर्स्ट के उत्ते होगा, राइट। अच्छा क्वेश्चन की सेगा, देन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर मस्ट बी सिटिंग टुगेदर, तो इन्होंने केड़ा पेयर जरा है वो आपस में इकट्ठा बैठा होगा, ए एंड जी, ठीक है। ए एंड जी तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, ए एंड जी नहीं, ठीक है। ए एंड एच हो सकता वा, जी एंड बी हो सकता वा, ठीक है। अच्छा दूसरा सी एंड डी, सी एंड डी हो सकता, देखो दूसरे दे हो सकता वा, बट मस्ट नहीं पूछा इतने, जो गल है कि मस्ट भी लिखी हुई है, ठीक है। ए एंड जी तो हो ही नहीं सकते, सी एंड डी हो सकते हैं बट नॉट मस्ट बी, राइट, ओके। ए एंड एच, ए एंड एच बिल्कुल सानू दिता होया वा, ठीक है। जो आप मान लिए कि बी लास्ट देते हैं तो फर्स्ट रो चाहे की आ जाएगा ए एच, ठीक है। सो इस करके साडा आंसर आ गया सी, ओके।
ठीक है। अच्छा हुण आपां चलदे आं अगला क्वेश्चन, राइट तुहाडे सामने। सो हुण तक आपां क्वेश्चन जिहड़े देखे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे विच, जो पीसीएस दे विच क्वेश्चन आया उह वी देखिआ, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी दे पेपर दे विच पेपर आया उह क्वेश्चन आया उह वी देखिआ, पटवारी दे पेपर विच जो क्वेश्चन आया सीटिंग अरेंजमेंट दा वो आपां सारे देखे, राइट। पर आपां प्रैक्टिस दे लई जो है एक क्वेश्चन होर करदे आं, ठीक है। नाइन क्रिकेट फैंस आर वॉचिंग अ मैच इन अ स्टेडियम, ठीक है। एक स्टेडियम च जिहड़े हैगे नौ फैन जिहड़े हैगे आ फैंस, ठीक है। सो ओहो देख रहे आ मैच सीटेड इन वन रो, कि कोई रो दे विच बैठे आ, ठीक है। दे आर JKLMNOPQR, ठीक है। सो इथे तक अपनी होगी इंस्ट्रक्शन, ठीक है। सो एक रो जिहड़ी बनेगी अपनी नाइन दी, तीन चार पांच छे सात आठ नौ दस, ओके ओके नो ओनली नाइन से के, सिर्फ नाइन से के, नौ ही बनाने हैं, ओके। फिर आगे देखो, एल इज एट द राइट ऑफ एम, एल जिहड़ा वा ओ राइट ऑफ एम दे विच है, एम ते है। सो आपां नूं की इहदे विच आपां गल कीती सी कि आपां सब तों पहलां की करदे हुंदे आ, एंड वाली लभदे आ कि एंड वाले क्लू केड़ा वा, ठीक है। सो इस नूं आपां छड्डदे आं, इहदे विच एंड दी गल नहीं होई, ठीक है। के इज एट द वन एंड ऑफ द रो, की जिहड़ा हैगा वो एक एंड दे उत्ते आ रो दे, ठीक है। ये सानूं पता लगा, पर कित्थे आ सज्जे के खब्बे वो हले सानूं नहीं पता लगा। अच्छा हुण देखो कि के दे नाल रिलेटेड सानूं होर कोई क्लू हैगा वा, ठीक है। एंड वाला तां आपां पता कर लिया, ओके। सो के सानूं इत्थे दिख रिहा वा, ठीक है। ओ इज एट द थर्ड प्लेस एट द लेफ्ट ऑफ के, दे लेफ्ट दे विच, ठीक है, थर्ड प्लेस दे उत्ते ओ आ, राइट। सो इहदा मतलब की है, जे के जिहड़ा हैगा एक्सट्रीम एंड है, तां के जिहड़ा हैगा वो राइट साइड दे एक्सट्रीम है, ठीक है। सो विच दो ब्लैंक्स छड़ के पोजीशन आ जाती है ओ दी, ठीक है। हुण इत्थे चलदे आ अगे, ठीक है। अगला जोड़ा क्लू है वो भी ओ दे रिलेटेड है, जे इज राइट नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ ओ, ठीक है। ये थोड़ी स्टेटमेंट इतने भुलेखा पाती है, एक इतने राइट की गल कर दी है, ठीक है, लेफ्ट की गल कर दी है, ओके। राइट भी है लेफ्ट भी है, नहीं इतने जो है ये बड़ा राइट है ना, यदा मतलब है कि इमीडिएटली राइट, ठीक है, जस्ट राइट, ठीक है। जे इज राइट नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ ओ, ओ दे लेफ्ट दे विच जिहड़ा जस्ट जिहड़ा हैगा वा ओ उत्थे जे सिचुएटेड है, ठीक है, मतलब इमीडिएटली लेफ्ट दे विच। इहनूं इस तरीके नाल आपां पढ़ना वा, ओके। अच्छा हुण दोबारा फिर शुरू करदे आं, जिहड़े आपणा एग्जामिन करने आपणे क्लू जिहड़े छड्ड दित्ते सीगे। एल इज एट द राइट ऑफ एम, एल जिहड़ा वा ओ एम दे राइट दे विच है, ठीक है। एम ए एल राइट दे विच, ओके। एंड एट थर्ड प्लेस एट द राइट ऑफ एन, ठीक है। एन दी जिहड़ी राइट दे थर्ड प्लेस दे उत्ते आ, मतलब इहदे च दो छड्डांगे, ठीक है, तां ही थर्ड प्लेस दे उत्ते आया, ओके। के इज एट वन एंड ऑफ द रो, के वाला आपां देख लिया सीगा। अच्छा क्यू की कहता है, क्यू इज सीटेड एडजेसेंट टू बोथ ओ एंड पी, ठीक है। क्यू जिहड़ा हैगा वा ओ एंड पी दे विचकार जिहड़ा हैगा वा ओह सिचुएटेड है, इहदा मतलब सानूं ओ इत्थे आ, ठीक है। सो ओ दे नाल सानूं की रखना पिया, क्यू एंड पी रखांगे, ठीक है, समझ गई। बिकॉज़ क्यू इज सीटेड एडजेसेंट टू बोथ ए ओ एंड पी, क्यू दे एक पासे ओ आ और एक पासे पी आ। सो ओ दी ओ दे ओ आ ओ पहला फिक्स सेगा, ठीक है। सो ओ दे जिहड़ा क्यू है ओदी पोजीशन यही आ सकदी है, क्योंकि इधरले पासे तां जे है, ठीक है। सो ये साडे कोल इत्थे आ गया, ठीक है। सो हुण आपां देखदे आ जिहड़ा आपां नूं दूसरा इत्थे थल्ले आपां इक पैटर्न बनाया होया, सीधा सीधा सानूं दिखदा वा कि इह पूरा इत्थे फिट हो रिहा चार लैटर्स दा, ठीक है। सो आपां इहनूं लै जांदे आ इत्थे एन डैश एम एल, ओके। और हुण आपां लभो इहदा के कीहड़ा लैटर साडा रहि गिआ वा, ठीक है, JKLMNOPQR, ठीक है। आई थिंक आर जरा रह गया सीगा। सो इदा आप सारा पैटर्न पता कर लिया,
ठीक है, आर दी भी सानू वैल्यू जिहड़ी हैगी आ पता चल गई आ, और हुण आपां इहनू इहदे उत्ते जो क्वेश्चन है वो करांगे। ठीक है, वन हू इज सिटिंग एट द राइट ऑफ द रो, ठीक है, राइट हू इज सिटिंग एट द सेंटर, नॉट राइट, सेंटर दे विच कौन है। ठीक है, सो सेंटर दे विच बिल्कुल कौन देख रहा सानू, जे, जे दा आंसर होएगा। ओके ठीक है, हू इज एट द अदर एंड ऑफ द रो, अदर एंड का मतलब की है कि एक एंड से तो 10 दसिया होया कि इन्होंने के आ, ठीक है, सो दूजे एंड से कौन है, दूजे एंड से सानू कौन मिल रहा वा, एन। ओके राइट, ठीक है, ठीक है। सो मैनू यकीन है दोस्तों जिहड़ा तुहानू ये क्वेश्चन जिहड़े हैगे सीरीज वाले अपने सेटिंग अरेंजमेंट वाले तुहानू जरूर यकीनी तौर दे उत्ते समझ आ रहे होणगे। ओके सो ये बेसिक बेसिक सवाल तुसी जरूर इन्हां नूं प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि इसी तरह दे एग्जाम दे विच साडे सवाल आ जांदे आ, राइट। सो अच्छा हुण लास्ट इथे जिहड़े टास्क आ, मैं तुहानूं सेकंड टास्क तां ऑलरेडी मैं करवा दित्ता, राइट, ये मैं तुहानूं पिछे हुण जस्ट 9 क्रिकेट फैन वाला करा के हटिया वा। ओके बट फर्स्ट टास्क जिहड़ा हैगा ये तुहाडा हैगा वा होमवर्क, तुसी इहनूं डन करो, इनू करो सॉल्व करो, और जो है इदा की सीरीज बनती है, ठीक है, की अरेंजमेंट बन रहा है 11 स्टूडेंट्स का, उनू करो कमेंट, ठीक है, थल्ले कमेंट करो। ओके जेडे भी नवे लर्नर जुड़े हुए हैं, नवे साथी जेडे जुड़े हुए हैं साड़ी क्लास दे नाल, प्रीवियस क्लास दे नाल, सो उस सब्सक्राइब जरूर करो चैनल नू। ओके सो इस दे नाल जो है आज दा आपां करांगे एंड, बट ठीक है, सो जे क्लास लगी हुई चंगी जिहड़ी कि यकीनी तौर ते तुहानू लगी होगी, ओके सा लाइक शेयर एंड कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना वा। ओके और इस दे नाल ही मैं कहना वा कि मिलांगे फिर, हर हर जुड़े रहो पीवी सर दे नाल।